हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम राइज ऑफ मराठा के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया में मराठा का शासन कैसे आया, इसके फाउंडर कौन थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइज ऑफ मराठा 1649 से 1748 तक मराठा का शासन रहा। अगर हम बात करें कि मराठा के फाउंडर कौन थे, तो मराठा के फाउंडर थे शाहजी पोर्ते। क्रिएटेड द मराठा स्टेट डायरेक्ट टू जीजाबाई एंड ही वाज द मिलिट्री ऑफिसर इन द स्टेट ऑफ जीजापुर। ये मिलिट्री ऑफिसर थे जीजापुर स्टेट में और ये ओन करते थे पूना एज अ जागीर। फाउंडर थे ये मराठा के शाहजी भोसले। शाहजी भोसले के बाद शिवाजी आए। सबसे ज्यादा फेमस रूलर थे मराठा में। शिवाजी का जन्म हुआ था 1630, सन ऑफ शाहजी फोस्ते एंड जीजाबाई। एट द एज ऑफ 14 हिज फादर एंट्रस्टेड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द पूना जागीर। 14 की एज में इनके फादर ने इन्हें पूना जागीर दे दी। एट द एज ऑफ 18 ही बोर्न अ नंबर ऑफ हिल फोर्ट्स नियर पूना, राजगढ़, कोंडाना एंड तोरण। 18 की एज में इन्होंने पूना, राजगढ़, कोंडाना और तोरण का किला जीत लिया था। डेथ ऑफ हिज गार्डियन दादाजी कोंडे। इनके पिता शाहजी भोसले की मृत्यु के बाद इनके जो गार्डियन बने वो थे दादाजी कोंडेव, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। राजगढ़ कैपिटल ऑफ शिवाजी, इन्होंने अपनी कैपिटल राजगढ़ रखी। कनकट चावल किंगडम फ्रॉम मराठा चीफ, इन्होंने मराठा चीफ से जावे किंगडम भी कन्वर्ट कर ली। इन्होंने अफजल खान को भी हराया था। औरंगजेब वॉज एंशियस बिकॉज ऑफ द राइजिंग ऑफ द मराठा पावर नियर टू द मुगल फ्रंटियर पूरा एंड एडजेसेंट एरिया विच हैड बीन पार्ट ऑफ द अहमद नगर किंगडम हैड बीन ट्रांसफर टू बीजापुर बाय द ट्रीटी ऑफ 1636 एंड दीज एरियाज वर नाउ अगेन क्लेम्ड बाय द मुगल। औरंगजेब ने मराठा पावर को देखते हुए कि जितनी भी अहमदनगर की किंगडम की स्टेट हैं वो सभी बीजापुर में जा रही हैं ट्रीटी ऑफ 1636 के बाद, तो ये सब देखकर से औरंगजेब को लगा कि मुगल एम्पायर यहाँ पर कम हो रहा है और मराठा पावर बढ़ रहा है, तो इसलिए उसने शिवाजी पर अटैक करवाया। औरंगजेब इंस्ट्रक्टेड शेरशाह खान द न्यू मुगल गवर्नर ऑफ द डेक्कन टू इन्वेड शिवाजीज डोमिनियन एंड आदिल शाह द रूलर ऑफ बीजापुर वाज आस्क्ड टू कोऑपरेट। आदिल शाह के साथ मिलकर औरंगजेब ने शिवाजी को कैप्चर करवाया था। गेटिंग कैप्ट शिवाजी एस्केप एंड पान्हाला केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द बीजापुर फोर्स। ट्रीटी ऑफ पुरंदर फॉर साइन बिटवीन शिवाजी एंड जयसिंह। ट्रीटी ऑफ पुरंदर शिवाजी और जयसिंह के बीच में साइन हुई थी। शिवाजी डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ छत्रपति इन 1674। शिवाजी को टाइटल दिया गया था छत्रपति का 1674 में। इन्हें एक टाइटल और दिया गया था हिंदावा धर्मोधारक का। हिंदावा धर्मोधारक का टाइटल भी शिवाजी को दिया गया था। डाइड इन 1680 और 1680 में इनकी मृत्यु हो गई थी। शिवाजी एक मिनिस्टर अष्टप्रधान। शिवाजी ने अष्टप्रधान नाम से टीम ऑफ एट मेंबर्स भी बनाई थी। ये क्या थी, तो सबसे पहले इसमें थे पेशवा और चीफ मिनिस्टर जो कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, अमात्य और मजुमदार जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट देखते थे, सचिव और शुरू नवीन जो कि रॉयल करेस्पॉन्डेंस देखते थे, सुमन और दाबी जो कि फॉरेन अफेयर्स देखते थे, फिर थे सेनापति और सर ए नौबत, मंत्री और वकिया जो कि सेफ्टी ऑफ द किंगडम के लिए रखे गए थे, न्यायाधीश जस्टिस एंड पंडित राव चैरिटेबल वर्क। ये अष्ट प्रधान थे जो शिवाजी द्वारा बनाए गए थे। इसके बाद आए संभाजी, एल्डर सन ऑफ शिवाजी, सपोर्ट अकबर सेकेंड सन ऑफ औरंगजेब। इन्होंने अकबर सेकेंड सन ऑफ औरंगजेब को सपोर्ट किया था। संभाजी कैप्चर्ड बाय औरंगजेब और औरंगजेब द्वारा संभाजी को कैप्चर कर लिया था। संभाजी के बाद आए राजा राम। ये एक इनकैपेबल रूलर थे। मुगल कैप्चर्ड राजगढ़ अलोंग विद संभाजी वाइफ एंड सन चाओ।
मुगलों द्वारा जब संभाजी की वाइफ और सन साहू को कैप्चर कर लिया था, तो राजा राम जो मिनिस्टर थे वो यहाँ पर आ गए, पर वो एक इनकैपेबल रूलर साबित हुए और उन्हें भी स्केप कर लिया गया। इसके बाद राजा राम के सन आए शिवाजी सेकेंड, शिवाजी तृतीय, सन ऑफ राजा राम, अंडर द गार्डियनशिप ऑफ ताराबाई मदर। इन्होंने अपनी मदर ताराबाई के अंडर रूल किया, बट ये भी उतने कैपेबल रूलर नहीं रहे। शिवाजी सेकंड के बाद आए साहू, मुगल एम्परर बहादुर शाह सेकंड, जो कि लास्ट मुगल रूलर थे, लास्ट मुस्लिम रूलर थे, मुगल एम्परर बहादुर शाह सेकंड। उन्होंने साहू को औरंगजेब से रिलीज करवाया, डिफीटेड ताराबाई आर्मी, और इन्होंने ताराबाई आर्मी को भी हराया। साहू यहाँ पर मराठा के लास्ट रूलर रहे हैं, इनके बाद यहाँ पे मराठा का एंड हो गया। मराठा के एंड के बाद यहाँ पर स्टार्टिंग होती है पेशवा, पेशवाज आए। पेशवा के जो फाउंडर थे वो थे बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव, और उनके बाद लास्ट थे वो थे बालाजी बाजीराव। तो ये पेशवा रूलर थे और यहाँ पर मराठा का एंड हो गया। तो हमने मराठा की स्टार्टिंग, राइज ऑफ मराठा इंडिया में कैसे आए वो देखा। मोस्ट फेमस रूलर जो मराठा के थे छत्रपति शिवाजी, उनके बारे में हमने टू द पॉइंट सारी इंफॉर्मेशन कवर करी, और यहाँ पर मराठा का एंड हो जाता। अब चलते हैं अपने मोटिवेशनल कॉट की तरफ। आज का हमारा मोटिवेशनल कॉट है, इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि पहाड़ों से निकली हुई नदी ने आज तक रास्ते में किसी से पूछा नहीं कि समुंदर कितना दूर है। ऑलवेज बी पॉजिटिव इन योर लाइफ। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू।